भागलपुर के पीरपैती थाना क्षेत्र से एक लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आ रहा है, जहां पीड़िता ने महर्षि मेही आश्रम के बाबा पर जबरदस्ती यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। पीड़िता के माने तो 22 मई को महर्षि बाबा की जयंती पर गई थी, साथ में उसकी छोटी बहन की बेटी भी थी। पीड़िता ने दबी जुबान ने बताया कि कार्यक्रम खत्म होने पर वो बाथरूम चली गई। इसी बीच नवीन की गंदी निगाह उस पर थी। बाबा ने लड़की को अपने कमरे में बुलाकर पहले सिंदूर से उसकी मांग भरी और हवस मिटाने लिए फिर उसके साथ रेप किया। विरोध करने पर गर्म आयरन से हाथ भी जला दिया और धमकी दी, किसी को बताया तो जान से मार देंगे। पीड़ित लड़की न्याय के लिए पुलिस पदाधिकारी के दफ्तर के चक्कर लगा रही है। उसका लगातार कहना है कि अब कौन मुझसे शादी करेगा। पुलिस ने 29 मई को मामला दर्ज कर गुरुवार को पीड़िता का मेडिकल करवाया। गौरतलब हो कि इससे पूर्व में भी भागलपुर के कई आश्रम से रेप के मामले सामने आ चुके हैं। हाल की अगर बात करें तो मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत महर्षि मेही आश्रम में 7 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ बाबा ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था, जहां 24 घंटे के भीतर आरोपी बाबा की गिरफ्तारी पुलिस ने की थी। पीड़िता के मुताबिक दुष्कर्म के पश्चात रात भर वो किसी तरह आश्रम में ही गुजारी। हालांकि सुबह घर पहुंचने के बाद माँ बाप ने लड़की से रात भर गायब रहने का कारण पूछा तो वो पहले कुछ भी नहीं बता रही थी। माँ द्वारा काफी पूछने पर लड़की ने पूरी आपबीती परिवार वालों को बताई। उसने कहा कि बाबा नवीन के द्वारा उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। लड़की की बात सुनकर उसकी माँ दंग रह गई और वे लोग बाबा से मामले की शिकायत लेकर वहाँ पहुँचे, लेकिन बाबा के समर्थकों ने पीड़ित परिवार को आश्रम से चले जाने को कहा और नहीं मानने पर बेटी की जान से मारने की बात कही। पीड़ित परिवार किसी तरह मामले की शिकायत लेकर पीरपैती थाना पहुँचा। केस को महिला थाने ट्रांसफर कर दिया गया। मामले को लेकर पीड़िता का कहना है कि बाबा ने उसके साथ दुष्कर्म कर लिया, जिससे सारे गांव में उसकी बदनामी हो गई है। अब कौन उससे शादी करेगा, वो काफी परेशान है। वहीं पुलिस ने पीड़ित परिवार को कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी बाबा की तलाश में है। सर, हम गए थे जयंती में, गुरु महाराज की जयंती 22 तारीख को थी, उसी दिन हम गए थे और ये घटना रात में हुआ। क्या हुआ था? उनको वहाँ पहले बुलाया गया था सत्संग में, हम अपने से सर नहीं गए थे, उनको वहाँ बुलाया गया और जब सत्संग खत्म हो गया शाम में 5 बजे, तब वो मेरे साथ आश्रम का जो मालिक था ना भगवतानंद, वो सो गए थे सर। भगवतानंद? हाँ, और उनका सेवक जगा हुआ था, हम भोजन करके जा रहे थे रूम में और वो दौड़ के आया और रूम लगा दिया और मुंह भी चाप दिया मेरा। ठीक। और पहले वो सिंदूर दिया मेरे मांग में, फिर वो शारीरिक संबंध बनाया। और भागलपुर जिले में पूर्वी बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय से अस्पताल अवस्थित है। भागलपुर, बांका, पूर्णिया, खगड़िया, मुंगेर, कटिहार व अन्य जिलों से मरीजों को बेहतर इलाज हेतु चिकित्सक यहां रेफर करते हैं। इसी बाबत खगड़िया जिला निवासी CRPF के हेड कांस्टेबल चंद्रभूत शर्मा के परिजन उसे इलाज हेतु यहां लाए थे, परंतु उचित इलाज के अभाव में उनकी मृत्यु हो गई। मरणोपरांत हेड कांस्टेबल के परिजनों ने बड़ा बवाल मचाया। वही मृतक के बड़े सुपुत्र गौतम शर्मा ने बताया कि मेरे पिताजी GC अगरतला में CRPF में हेड कांस्टेबल है, उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ी हुई थी। मैंने अपने पिताजी को पहले खगड़िया जिला अंतर्गत गोगरी जमालपुर ले गए, जहां से उन्हें खगड़िया रेफर कर दिया गया। वहां चिकित्सकों ने कहा कि उन्हें भागलपुर मायागंज अस्पताल ले जाइए। विगत रात्रि मैं अपने पिताजी को इमरजेंसी वार्ड के बाहर स्टेशन पर रखा, न बेड मिला, न कमरा और न ही इलाज किया गया। वे कहते हैं केवल एक नर्स आई, एक इंजेक्शन लगाया और वो लापता हो गई। कहने को यह बड़ा अस्पताल है मगर व्यवस्था के नाम पर जीरो है। इलाज हेतु अगर यहाँ से रेफर कर दिया था तो मैं अपने पिता कहीं और इलाज करवाता, पर उचित इलाज के अभाव और चिकित्सकों की लापरवाही से मेरे पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। हम कल शाम में डॉक्टर के पास लेके गए, हमारा लोकल एरिया गोरी जमालपुर में लेके गए, हम वहाँ दवाई सुई दिया, फिर खगड़िया डिस्ट्रिक्ट हमारे डिस्ट्रिक्ट एरिया में ट्रांसफर किया, उसको रेफर किया। फिर वहाँ पे एक डॉक्टर बोला हमसे नहीं हो पाएगा, फिर थोड़ी देर के बाद आने के बाद वो एक इंजेक्शन दिया, फिर इंजेक्शन आने के बाद बोला भागलपुर चले जाइए, यहाँ पे यहाँ के हॉस्पिटल में बेरा नेहरू जी में। फिर रात में यहाँ आए इमरजेंसी कोटा में, यह व्हील चेयर पर बैठा के रखा था, इस पे रखा था मेरे को, मेरे पापा को यहाँ पर। रात भरी से भी ना इमरजेंसी रूम मिला, ना ही कुछ कुछ भी मिला। आया एक नर्स आया, इंजेक्शन दे करके फिर ना पता हो गया। 2-3 चेकअप भी लिखा था, EGF भी लिखा, ECG सब भी लिखा, कुछ भी नहीं है।
इंसान और जानवर के बीच के रिश्तों की कहानी हमेशा से चर्चा में रहती है। पौराणिक कथाओं से लेकर ऐतिहासिक कहानी में ऐसे रिश्ते की चर्चा मिलती है। भागलपुर के मोदी नगर में एक ऐसा ही अनूठा उदाहरण देखने को मिल रहा है। मोदी नगर इलाके के रहने वाले रत्नीश कुमार और उनकी पुत्री तमन्ना ने अपने पालतू कुत्ते की मौत के बाद उसे इंसानों की तरह न सिर्फ अंतिम विदाई दी बल्कि पूरे विधि विधान से उसकी आत्मा की शांति के लिए घर पर पूजा पाठ भी कराया। रत्नीश ने बताया कि उसे अपने कुत्ते से बहुत लगाव था, वह उनके परिवार के सदस्य की तरह था। उन्होंने कहा कि उनके पालतू कुत्ता का नाम फूसी था। जब तक वो जीवित रहा उसने पूरे वफादारी से उनका साथ निभाया। वो उसे कोविड के समय अपने घर लेकर आए थे, उस समय उसकी आयु 2 महीने थी। आगे रत्नीश ने कहा कि जब फूसी की मौत हुई तब घर में मातम छा गया। उसी की मौत से पूरा परिवार सदमे में है। रत्नीश इतना कहते कहते भावुक हो जा रहे थे। अब रत्नीश को सड़क पर घूम रहे आवारा कुत्तों से गहरा लगाव हो गया है। जब भी रत्नीश घर से निकलते हैं तो 20-25 कुत्ते का झुंड रत्नीश के पीछे पड़ जाता है। उसके बाद रत्नीश सभी कुत्ते को बिस्कुट खिलाते हैं और सभी कुत्ते को अपने घर ले आते हैं। रत्नीश की पुत्री तमन्ना जो कि हरियाणा की सोनीपत में फैशन डिजाइनर है, उसे भी फूसी से इतना लगाव हो गया था कि फूसी की मौत के बाद तमन्ना ने अपने हाथ पर फूसी के चित्र की टैटू भी बनवा रखी है। तमन्ना ने कहा कि फूसी की मौत का कारण बीमारी रहा। जब हमें पापा ने बताया कि फूसी की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई है तो आनन फानन में हरियाणा से भागलपुर पहुंची। उसके बाद बेहतर इलाज के लिए फूसी को ट्रेन से पटना लेकर गई और पटना में इलाज कराया। काफी खर्च करने के बाद भी फूसी हमारे बीच नहीं रही। इसके बाद तो मानो जैसे गम का पहाड़ हमारे परिवार के ऊपर टूट पड़ा। अपने पापा से भी ज्यादा प्यार फूसी से करते थे, इसलिए हर साल फूसी का जन्मदिन पर घर आते थे और शहर के बड़े बड़े होटलों में फूसी का जन्मदिन मनाते थे। तमन्ना ने यह भी कहा कि जब हम हरियाणा से आते थे उसके बाद हम जहाँ भी जाते थे फूसी हमारे साथ ही जाता था, इसलिए फूसी का जगह कोई दूसरा नहीं ले सकता। कोविड के टाइम से फूसी मेरे साथ है। इससे पहले भी मेरे पास एक स्ट्रीट था, उसके जाने के बाद मैंने फूसी को लिया। फूसी कोविड के टाइम से मेरे साथ है और पता नहीं था कि इतना ज़्यादा अटैचमेंट हो जाएगा। अभी 3.5 साल की उम्र में इज नो मोर और बहुत 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 ज़्यादा अटैचमेंट हो गया, मोर देन अ बेबी, मोर देन अ सन, जो भी कह सकते हैं। इनफैक्ट अपने बच्चे से भी ज़्यादा अटैचमेंट है उससे। जितना हो सकता था, जितनी पॉसिबिलिटीज थी, फिजिकली, फाइनेंशियली, हर चीज़ जितना था, मैं अपना जॉब छोड़ के प्रॉपर आई थी उसकी ट्रीटमेंट के लिए। आई थिंक आई डिवोटेड माई एवरीथिंग, लेकिन फिर भी वो नहीं बच पाया। सब कुछ किया मैंने लिए, जितना हो सकता था, जितनी भागलपुर के डॉक्टर से लेके, इनफैक्ट बिहार के टॉप मोस्ट डॉक्टर्स को भी दिखाया, बट डॉक्टर्स की तरफ से भी मेरे को ऐसा कुछ दिखा नहीं। और अब नहीं है, यहाँ पे इतनी सेवा नहीं है और आज वो नहीं है हमारे साथ। कैसे सेलिब्रेट करते थे बर्थडे? 10 मई को उसका बर्थ है। हम लोग उसको 21 जून को लेकर आए थे, बट एक्चुअल में 10 मई को उसका बर्थ है। एवरी ईयर हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से, हम लोग स्ट्रीट डॉग्स को फीड कराते थे, हर डॉग जितने भी है हमारे लोकेलिटीज़ में सबको। और उसके जाने के बाद भी, इस साल भी मैं हरियाणा में थी, मैंने हरियाणा में सारे स्ट्रीट डॉग्स को फीड कराया। मेरे ऑफिस से लेके मेरे घर तक जितने भी स्ट्रीट डॉग्स मुझे देखे, मैंने सबको फीड कराया। वो इतना उससे लगा हो गया कि साथ सोना, साथ बैठना, साथ खाना, इवन है उसका इतना प्यार हो गया कि उसका हर चीज उसका अलग रखते थे, उसका कंबल, उसका खाने का सामान, सब चीज एक से एक उसका ऑनलाइन कपड़ा मंगाते थे, मोजा, स्वेटर, सब चीज। लेकिन पता नहीं कैसे उसको ऐसा रोग हो गया, समझ भी नहीं आया। यहाँ तो डॉक्टर, यहाँ पर तो है नहीं भागलपुर उतना अच्छा डॉक्टर उपलब्ध डॉग का, तो फिर हम पटना ले गए उसको फर्स्ट क्लास एसी में, और वहाँ आईसीयू में भर्ती भी किए, काफ़ी पैसा भी खर्च हुआ, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। फिर वहाँ से आने के बाद इतना लगा होगा कि अब हमारे घर में लगभग स्ट्रीट डॉग अभी 15 है, 15 को रखते हैं, खाना खिलाते हैं, अब देख ही रहे होंगे हमारे पीछे, जैसे हम कुछ लाने जाएंगे रोड पे 15 का 15 कुत्ता पीछे लग जाता है। सब लोगों को खाना खिलाना पड़ा, वो बिस्किट देते हैं जब भी वो सब आता है। रोजाना आपका ये डेली जितनी बार हम निकलेंगे रोड पे, हम ही नहीं हमारे घर का कोई मेंबर, सबों को इतना लगा हो गया। क्योंकि कहीं बाहर जाना होता है तो कैसे छुप भी जाते हैं? बाहर इस होके चले जाते हैं दूसरे रास्ते से, डोबी टोला होते हैं। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराए तथा सुनने की मशीन लगवाए।
निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, एबी मेडिकल के समीप। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है, जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर जवाहरलाल ने दीप प्रज्वलित कर विश्व तंबाकू निषेध दिवस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। इस मौके पर राष्ट्रीय सेवा योजना के तमाम कर्मी और अनेकों छात्र छात्राएं उपस्थित रही। वही TMBU भागलपुर के कुलपति ने निर्देश दिया कि विश्वविद्यालय के 100 मीटर के दायरे में न ही कोई तंबाकू का सेवन करेगा और न ही तंबाकू की बिक्री होगी। 1 सप्ताह तक NSS के वॉलंटियर तंबाकू बिक्री करने वाले दुकानदारों को समझाएंगे। अगर 1 सप्ताह के बाद भी तंबाकू का सेवन या बिक्री विश्वविद्यालय के 100 मीटर के दायरे में होती है तो मैं जिला प्रशासन को लिखित शिकायत कर उन्हें सजा व जुर्माना लगवाने का कार्य करूंगा। कि नशा करना है तो अच्छे चीजों का नशा करो, अच्छा चीज बड़ा बना देगा और बुरा नशा जो है तुम्हें बर्बाद कर देगा, तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर देगा, देश को बर्बाद करता है। इसलिए आज जो टोबैको का जो प्रतिबंध है वो जो डे मनाया जा रहा है उसमें मैंने अपने विश्वविद्यालय के लिए ये घोषणा की है कि 100 मीटर के अंदर ना तो कोई धूम्रपान या किसी भी प्रकार का तंबाकू जो है का निषेध रहेगा, वर्जित रहेगा, और जो इसका उपयोग करेंगे या जो बिक्री करेंगे इन दोनों की सज़ा मैंने एक्ट के अनुसार बता दी है कि 2 साल की सज़ा होगी या 1,000 जुर्माना दोबारा पकड़े जाने के बाद में, मतलब 5 साल की सज़ा या 10,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। पीरपैंती रेलवे स्टेशन पर मालदा DRM के निर्देश पर ACM विजय सिंह ने अपनी टीम के साथ विशेष टिकट चेकिंग अभियान चलाया। टिकट चेकिंग होता देख बगैर टिकट वाले यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। वहीं लाइन क्रॉस करने वालों को भी चलान काटा गया। इस बीच स्टेशन के अंदर सभी यात्रियों से टिकट चेकिंग किया गया, साथ ही साथ टिकट नहीं रहने पर चालान काटा गया। मौके पर मालदा APRO प्रणय कुमार सहित कई लोग मौजूद थे।